संजू वो कभी तेरा था ही नहीं। साहिल तुझसे शादी नहीं करना चाहता। झूठ बोल रहे हो आप। जरा धीरे बात कर। देख, साहिल का भाई है ना रणवीर, वो मेरी क्लास में पढ़ता है, उसी ने मुझे ये सब बताया। मतलब ये कि साहिल भाई संजना को पसंद नहीं करते क्योंकि साहिल भाई को लगता है कि उनकी शादी जबरदस्ती करवाई जा रही है। प्लीज जाके संजना को समझाओ कि वो शादी के लिए मना कर दे। ठीक संजू, जो भी कुछ होगा ना उसे भूल जा। और देख बेटा, जो रिश्ते जबरदस्ती से बनाए जाए उनका कभी कोई भविष्य नहीं होता। छोटी माँ, आपको बड़े पापा ने बुलाया है। जी भाई साहब, आपने बुलाया। आप लोगों को हैरान होने की जरूरत नहीं है कि हमने आपको यहाँ क्यों बुलाया है। हमने संजना और साहिल के रिश्ते की बात को आगे ना बढ़ाने का फैसला लिया है। साहिल की शादी वहीं होगी जहाँ नूपुर और ब्रजेश जाएंगे। तुमने कोशिश तो अच्छी की नूपुर, पर मैं अपना प्लान फ्लॉप नहीं होने दूंगी। भाई साहब, आपने नूपुर और ब्रजेश भैया की बात का तो मान रख लिया, लेकिन आपने ये नहीं सोचा कि इस रिश्ते से इनकार करके कलावती के सामने मेरी क्या इज्जत रह जाएगी। बहुरानी, अगर वो सही मायने में तुम्हारी सहेली है तो तुम्हारी परेशानी को जरूर समझेगी। इस जल्दबाजी के लिए हमारे परिवार की तरफ से उससे माफी मांग लेना। सिंदूरा भाभी, आप बिल्कुल भी शर्मिंदा मत होइए। आप कलावती जीजी को कह दीजिएगा कि हमने और साहिल के पापा ने इस रिश्ते के लिए इनकार किया है, और अगर फिर भी उनका मन न माना तो हम है ना, हम देंगे उनके हर एक सवाल का जवाब। आप चिंता मत कीजिए। I'm so sorry. अरे भगवान जी, आप ही होली। भगवान जी, आप ही होली। वैसे भगवान जी, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? ये तुम लोग यहाँ पर क्यों है? होली खेल। तो मैं भी यहाँ पर होली खेलने आया हूँ। आपको पता है कि मैं यहाँ पर किसके साथ आया? मैं अपनी पूरी फैमिली के साथ होली खेलने आया। I mean, मेरे मॉम है, डैड है, भैया है, चाचा है, चाची है। और मैं भी मेरे पूरे फैमिली के साथ आया हूँ। दादी, मेरी माँ, मेरी बुआ। Really? तो फाइनली मुझे लगता है कि आज मेरे को आपकी मॉम से मिलने का मौका मिलेगा। कहाँ है वो? कहाँ है? वहाँ पर। लड्डू के भैया, अंगूर ये कुछ ज्यादा हो रहा है। लड्डू के भैया, बेबी तुमने लाइट क्यों ऑन कर दी यार? और तुम यहाँ हो तो रजाई में कौन? कंबल के अंदर मैं हूँ सेठ जी। I like it. जो दुनिया में मेरी सबसे प्यारी चीज छीनने की कोशिश करेगा उसकी सारी दुनिया मैं खत्म कर दूंगी। उनका एक्सीडेंट हो गया था। अभी यही बताने आपको यहाँ लाए ताकि अबीर मामा से मिल भी लो। पर तूने तो कहा था कि वो दिल्ली में है, वो आने वाला है। बाबा आ गए। पुलिस ने जरूर उस विजय से पैसे लिए होंगे। अभी जूनियर इंस्पेक्टर का फोन आया था। कोई कौशल है जिसके सीसीटीवी हैक होने के नाम पर वारंट निकाला गया है। पर तू चिंता मत कर, मैं उस विजय को सजा दिलवा कर ही रहूंगा।
आपने जो कुछ भी कहा है वही करूंगी। आपने जो रास्ता दिखाया है, साम दाम दंड भेद, उसी की नीति अपनाऊंगी और ये बड़ों को अपने घर की खुशियों से दूर रखूंगी। फिर उसके लिए मुझे चाहे कठोर से कठोर कदम उठाना पड़े, जो संभव कोशिश होगी मैं करूंगी।